खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था उसको कहते हैं जो जेलों से फिरौती मांगे, जो जबरदस्ती जमीनों की संपत्तियां किराएदार की खाली कराए। घटनाएं हैं, घटनाएं होती हैं, उसके बाद हमारे अधिकारी उसको समाधान भी करते हैं। कल जैसे करनाल में घटना घटी, तुरंत वो पकड़े गए। कौन? उन्हीं के कर्मचारी थे डेटा जो हटाए हुए थे। तुरंत वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और वहाँ पे हमारे SP साहब ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कानून व्यवस्था की उनको बात करनी चाहिए जो सत्ता में पीछे बैठे थे, किस तरह वो लोकतंत्र के अंदर भी आपसे भी हमला करते थे और दुकानदारों व्यापारी से फिरौती मंगवाते थे। ये स्थिति आपको अच्छी तरह पता है। 1975 में लोकतंत्र का किसने गला घोटा, ये आपको जाना। बीजेपी के या दूसरे तो नेता हर कोई बीजेपी में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टी। 6 जुलाई को हमारे डॉक्टर श्याम मुखर्जी का बलिदान दिवस था। हमने सदस्यता चलाई, अभियान चल रहा है हमारा। देश के प्रधानमंत्री बनारस के अंदर मोदी जी के ने वहाँ सदस्यता चलाई। आज हरियाणा के 10 सीटें जीतने के बाद, मेयर पार जीतने के बाद, जींद उपचुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इसलिए बाकी दल में से जो अच्छे अच्छे लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मनीष जी अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि मेरे को घर बाहर निकलने से डर लगने लगा है, कोई मुझे गोली ना मार दे। वो व्यक्ति जो लोगों को डराता था आज ये भाषा बोले, इसका मतलब उसकी जमीन खिसक गई। सर, एक अशोक इसके बारे में आपका रिएक्शन क्या है? आप अशोक तंवर की बात कर रहे हो, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो फैसला नहीं कर पा रहा। उनके वहाँ के लोग नहीं कर सकते। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो इस 70 साल के अंदर हरियाणा देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को एक लूटने का उन्होंने अपना एक पहचान पत्र बनाई। इसलिए कांग्रेस नाम की कोई बची नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर और प्रदेशों में सेवा कर रही है।